हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से है। मेरा यूट्यूब चैनल वाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। फ्रेंड, आज मैं गुदावरी की जो मैंने कटिंग लगाई थी, जो रिपोर्ट किया था, मैं उसमें कुछ काम करने जा रही थी, क्योंकि मेरी इस कटिंग को लगे हुए थोड़ा टाइम हो गया है। तो मैं इसमें, ये 1.5 महीने की हो गई है, पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई, फिर मैंने इसको रिपोर्ट किया। तो मैं इसकी पिंचिंग करने जा रही थी। पिंचिंग से ये होता है कि हमारे पौधा जो होता है थोड़ा घना हो जाता है, यानी कि बूशी हो जाता है, इसमें अलग अलग इसकी टहनियाँ आ जाएंगी, तो इस पर फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो फ्रेंड, पिंचिंग का मतलब ये है कि हम जो ऊपर की जो इसकी डिप वाली ब्रांच है उस पर से इसको कट करके हटा देंगे ये, तो हम इस तरह से, जिससे हमारा पौधा थोड़ा घना हो जाएगा और देखने में भी ये अच्छा लगेगा। तो मैं वही कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और मैंने अभी तक इसमें कुछ डाला नहीं है, अभी जब डालूंगी इसमें, मैंने अभी कोई खाद वगैरह, जब से मैंने रिपोर्ट किया है मैंने कुछ नहीं डाला है। तो मैंने सोचा आज मैं इसकी पिंचिंग कर देती हूँ, जिससे इसके पौधे और घने हो जाएं। तो इस तरह से इसकी जो डिप वाली पत्ती है उसको हटा दें, छोटी छोटी हटानी चाहिए, पता चले कि बड़ी बड़ी ना हटाएं उसको। तो जो ऊपर की टहनी है, अब इसकी जो साथ में से इसमें होगा, ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और ये हमारा पौधा थोड़ा घना भी हो जाएगा। और मेरे पौधों की ग्रोथ अच्छी है, तो इनकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। सितंबर अक्टूबर में इनमें फूल आने लग जाएंगे, तो अभी तो 2-3 महीने हैं, जब तक इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो अभी अगर आपने ये कटिंग लगा रखी है और रिपोर्ट की हुई है, तो आप इसकी पिंचिंग ज़रूर करें। अगर आपके पास पुराने पौधे हैं तो आप उसकी कटाई कर सकते हैं। कटाई करने से जो नई ग्रोथ होगी उस पर फ्लावरिंग अच्छी आएगी। तो फ्रेंड, ये मैंने आज बस छोटा सा ही मेरा ये वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी था, जिससे ये पौधे थोड़ा बूशी हो जाए और देखने में ये सुंदर लगे। मैंने बहुत सारी कटिंग लगा रखी है अभी भी, अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया उन्हें। तो यही छोटी सी मेरी वीडियो थी।